अपने शोध के दौरान एक समुद्री जीव वैज्ञानिक ने पानी से भरे एक बड़े टैंक में शार्क को डाला। कुछ देर बाद उसने उसमें कुछ चार मछलियां डाल दी। चारों मछलियों को देखते ही शार्क तुरंत तैरकर उनकी ओर गया और उन चार मछलियों को खा लिया। समुद्री जीव विज्ञानी ने कुछ और चार मछलियां टैंक में डाली और वे भी तुरंत शार्क का आहार बन गई। अब समुद्री जीव विज्ञानी ने एक कांच का मजबूत पारदर्शी टुकड़ा उस टैंक के बीचों बीच लगा दिया। अब टैंक दो भागों में बढ़ चुका था। एक भाग में शार्क थी और दूसरे भाग में उसने कुछ और चार मछलियां डाल। विभाजक पारदर्शी कांच से शार्क चारों मछलियों को देख सकते। चारों मछलियों के देख शार्क फिर से उन पर हमला करने के लिए उस ओर तैरी, लेकिन कांच के विभाजन टुकड़े से टकरा कर रह गई। विभाजक पारदर्शी कांच से शार्क चारों मछलियों को देख सकती थी। चारों मछलियों को देख शार्क से फिर से उन पर हमला करने के लिए उस ओर तैर रही, लेकिन कांच के विभाजन टुकड़े से टकरा कर रह गई। उसने फिर से कोशिश की, लेकिन कांच के टुकड़े के कारण वह चारों मछलियों तक नहीं पहुंच सकी। शार्क की आक्रामकता के साथ चारों मछलियों पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन बीच बीच में शार्क ने दर्जनों बार पूरी आक्रामकता के साथ चारों मछलियों पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन बीच में कांच का टुकड़ा आ जाने के कारण वह असफल रही। कई दिनों तक शार्क उन कांच के विभाजन के पार जाने का प्रयास करती रही, लेकिन सफल ना हो सकी। अंत में हार कर उसने एक दिन हमला करना छोड़ दिया। टैंक के अपने भाग में रहने लगी। कुछ दिनों बाद समुद्री जीव विज्ञानी ने टैंक से वह कांच का विभाजन हटा दिया, लेकिन शार्क ने कभी उन चारों मछलियों पर हमला नहीं किया, क्योंकि एक काल्पनिक विभाजन उसने दिमाग में बस चुका था और उसने सोच लिया था कि वह उसे पार नहीं कर सकता। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है, जीवन में असफलता का सामना करते करते कहीं बार हम अंदर तक टूट जाते हैं और हार मान लेते हैं। हम सोच लेते हैं कि अब चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, सफलता हासिल करना नामुमकिन है, और उसके बाद हम कभी कोशिश ही नहीं करते, जबकि सफलता प्राप्ति के लिए लगातार प्रयास आवश्यक है। परिस्थितियां बदलती रहती है, इसलिए अतीत की असफलता को दिमाग पर हावी न होने दें और पूरी लगन से फिर से मेहनत करें। सफलता आपके कदम चूमेगी।